सेठी साहब नमस्कार, बताएं सर कितने हैं स्टॉक्स, एक या अनेक? गुड आफ्टरनून अनिल जी, दो स्टॉक है, एक कैश मार्केट का और एक एफएनओ का, दोनों में खरीदारी करनी है अनिल जी। करिए शुरुआत। अनिल जी, जो आपका कैश मार्केट का स्टॉक है, एक फार्मा कंपनी है, कंपनी का नाम है एलेम्बिक फार्मा, जो कि एनएससी में एपीएल लिमिटेड के नाम से ट्रेड होता है। 265 रुपए का अभी इसका भाव है। बहुत ही दमदार कंपनी है, 100 साल पुरानी कंपनी है, जो एपीआई फॉर्मुलेशन और बल्क ड्रग्स तीनों सेगमेंट में है। कंपनी के 9 प्लांट्स हैं और कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में 1800 करोड़ का केपेक्स किया, जिसके फायदे आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। 137 इनके एएनडीएस ऑलरेडी अप्रूव्ड है और दिसंबर तिमाही में भी दमदार नतीजे थे, फंडामेंटल सॉलिड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का और पिछले 3 साल में प्रॉफिट का कैगर है 25% का। इस स्टॉक में 965 के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1025 का, स्टॉप लॉस रहेगा 940 का। और अनिल जी, आपको याद हो तो बजट वाले दिन जो आपने एक बजट पे आउट ऑफ द बॉक्स एक आइडिया पूछा था, यही स्टॉक मैंने रिकमेंड करा था। इस साल के लिए मुझे लगता है आपको मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। एफएनओ में आ रहा है, पता है ना आपको, 1 मार्च से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप ही के लिए। हाँ, ताकि आपके क्या एफएनओ में आपको स्टॉक्स बहुत चाहिए होते ना, तो इसलिए आपके लिए दायरा बढ़ सके, इसके लिए हमने स्पेशल इंतजाम करवाया है। 11 शेयर और नए एफएनओ में शामिल होते दिखेंगे अगली सीरीज से सेठी साहब के लिए। तो एलेम्बिक फार्मा फिलहाल कैश, बाद में फ्यूचर्स में आएगा। लेकिन दूसरा स्टॉक सर बताएं जो फ्यूचर्स का है वो। अरिंद जी, जो फ्यूचर्स का स्टॉक है वो स्टॉक आज जो रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो है टाटा मोटर्स। अनिल जी, 324.25 के लेवल पे अभी स्टॉक आ गया है, अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, बट मुझे लगता है हमको एक चीज पे बिल्कुल फोकस करना है। जैसे नितिन गडकरी जी ने बजट के बाद कहा था कि 15 दिन के अंदर वो स्क्रैपेज पॉलिसी का भी गाइडलाइंस बताएंगे, मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि बहुत ही अच्छे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और ये पिछले कुछ दिनों के करेक्शन के बाद इन लेवल्स पे कंसोलिडेट होके मुझे लगता है बिल्कुल चलने को तैयार है। इस स्टॉक में खरीदारी करें 325 के लेवल पे, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 340 का टारगेट, स्टॉप लॉस रखना 315 रुपए का। ओके, 315 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स में करें खरीदारी 340। सेठी साहब, वैसे तो अभी आप फोन पे यार, जो फोटो आपकी लगी हुई वो सूट वूट में एकदम टाई वाई लगा के, 3:30 बजे आपको टी शर्ट में होना, ध्यान है ना आपको, ये मस्ती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, हाँ हाँ बिल्कुल रेडी रहिएगा अपने जवाब के साथ, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है जिससे आप प्यार करना चाहते हैं। सोच लिया ना? हाँ हाँ सोचा हुआ अनिल जी, बिल्कुल बताओ। चलिए, उसके लिए 3:30 बजे तक आपको करना होगा इंतजार, जब सेठी साहब बताएंगे अपना इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडिया आज मस्ती की पाठशाला में। थोड़ी देर में फिर से होगी मुलाकात। सेठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सेठी साहब की लिस्ट इंटरेस्टिंग होगी। सेठी साहब ऑलरेडी इतने सारे स्टॉक होते हैं तो उसमें से कैसे ढूंढेंगे? हाँ, अब नया तो क्या, मतलब इंटरेस्टिंग देखते हैं। चलिए सेठी साहब क्या ढूंढते हैं।